आज हमारे एसीएच साहब और डायरेक्टर और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के हमने पंचायत विभाग और ग्रामीण पंचायत का हमारे आज पूरा विभाग का हमने आज रिव्यू किया। रिव्यू में हमारे जैसे पंचायत डेवलपमेंट विभाग है उसका 5600 करोड़ का बजट है, ग्रामीण विकास का 1891 करोड़ बजट है। हमने पूरा रिव्यू किया और उसमें 1200 करोड़ के जन संवाद के तहत मांगों का हमने स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार से हमने 3.51 लाख जो मनरेगा के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों दिहाड़ी के जैसे हम कहते हैं तो लगभग 3.5 लाख लोगों को हमने शोधन का हमने रोजगार दिया है। 2100 हमने जिस प्रकार से हमारे जो तालाब हैं अमृत सरोवर का सुधारीकरण का हमने निर्माण कार्य पूरा किया है। तो अभी हमारे इस हिसाब ने हमने टारगेट किया कि हम 2200 का टारगेट हम और आगे लेंगे। तो सफाई के लिए हमने विशेष तौर से ध्यान दिया कि हम ग्रामीणांचल में जो सफाई है उसके लिए अलग अलग हम ग्रामीणांचल में हम सफाई का विशेष ध्यान देंगे। और हमने 250 से ज़्यादा ग्रामीणांचल में जिमों का हम बहुत जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में जो मनरेगा है उसके 374 रुपये पर डे पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और हमने तय किया कि जिन ग्रामीणांचल में 1000 से ज़्यादा जनसंख्या है फिरने की हम उसको पक्का करेंगे, हम उस पर स्ट्रीट लाइट लगाने का हम काम करेंगे। और 1000 गांव से ज़्यादा हमने तय किया जो हमारी महिलाएं हैं हम उनके लिए मनोरंजन केंद्र स्थापित करेंगे, जैसे गांव की महिला आपस में बैठ सकें, कीर्तन कर सकें, मनोरंजन कर सकें, आपस में एक दूसरे का आपस में बातचीत कर सकें। हमारा ये टारगेट है। इसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर हमने 26 तारीख को आचार संहिता लगी थी, हमने हर पंचायत के अंदर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री सरपंचों के साथ मिलकर के तय किया था कि हम 21 लाख रुपए का फ्री हैंड उनको हम काम करने की अनुमति देंगे, तो जिन ग्राम पंचायतों पैसे नहीं थे हमने 21 लाख रुपए हर पंचायत को भेजने का काम किया। और जैसे आचार संहिता लगी थी सरपंच अब तुरंत उस काम को स्टार्ट कर देंगे। और हमने जो सीओज हैं या पंचायती राज के तो जो डेवलपमेंट का हमने पैसा दिया एमपीलैड से मुख्यमंत्री से और सारा हम रिव्यू करने के लिए हमने निर्देश दिए कि हम पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट के काम जो अधूरे हैं उनको हम पूरा कराएंगे। और हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं तो उसके लिए भी हमने पूरा फोकस दिया है कि उन महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करें। और हमें युवाओं को रोज़गार के लिए भी जिस प्रकार से पानीपत है, यमुनानगर है, फरीदाबाद है, हम ट्रेनिंग दे करके हम युवाओं को जो फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर हम काम दिलाने का भी काम करेंगे। तो हमारा डिपार्टमेंट पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट के हिसाब से, रोज़गार के हिसाब से, स्वच्छता के हिसाब से हर समुदाय को लगेगा कि पंचायत एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आज प्रॉपर काम कर रहा है, ऐसा आज हमने निर्णय लिया है। जिला स्तर पर भी कार्यक्रम करेंगे सर जैसे आज में? इसके लिए हम बिल्कुल से हमारे एसीएच साहब और डायरेक्टर्स को मैंने अपनी तरफ से इनको निर्देश दिए हैं कि एसीएच साहब पूरे प्रदेश का एक रिव्यू करेंगे और मैं भी जिस भी जिला में जाऊँगा तो जिला लेवल पर जाकर हम रिव्यू करेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट का जो हमारा पैसा है वो लैप्स ना होए। प्रतिवर्ष चाहे मनरेगा का है या डेवलपमेंट का है सारा पैसा यूटिलाइज हो। जैसे आज फीडबैक दिया है मुझे काफ़ी 61% से भी ज़्यादा आज कामों की प्रोग्रेस मेरे सामने आई, बल्कि इससे ज़्यादा काफ़ी। अब जैसे चुनाव के बीच में हमारे 4-5 महीने इसके हमारे काम थोड़े कम चले तो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 31 मार्च तक हम अपना 100% टारगेट को हम पूरा कर लेंगे। इसके लिए ये नई सोच है कि हमारी महिलाएं हैं जिस प्रकार से हमने पार्लियामेंट में
और विधानसभा में 33% आरक्षण हमने दिया है एमपी और एमएलए में। इसी प्रकार से पंचायत 50% आरक्षण हमने पंचायती राज में दिया है। तो महिलाओं को आपस में गांव में बैठने के लिए, जैसे पुरुष हैं चौपाल के अंदर बैठ जाते हैं, तो महिलाएं हैं तो कम से कम ऐसा स्थान हो जिसमें सारी महिलाएं इकट्ठे होकर गेट टुगेदर कर सकें, मनोरंजन कर सकें, कीर्तन कर सकें। तो इसलिए हमने ये पूरे प्रदेश में हर गांव के अंदर ये केंद्र बनाने का हमने फैसला किया। मनोरंजन महिला सांस्कृतिक केंद्र, महिला सांस्कृतिक केंद्र। हाँ, इसके लिए मोर साहब हमारा टारगेट है 1000 ई लाइब्रेरी बनाने का। उसके अंदर जैसे कि आज पूरे आज प्रधानमंत्री ने हरियाणा प्रदेश की इतनी बुरी बुरी प्रशंसा की है कि हरियाणा हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिन्होंने 25,000-26,000 बच्चों को रोजगार दिया है बगैर पर्ची बगैर खर्ची के दिया है। ये तो आज बाइट अभी प्राइम मिनिस्टर ने दी है। तो इसलिए आज जो युवा हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी आस्था बढ़ी है कि बगैर पर्ची बगैर खर्ची के आज उनको रोजगार मिल रहा है। तो इस लाइब्रेरी से लाभ होगा कि बच्चे आज जो चौपाले हैं, चौपालों के अंदर भी कंप्यूटर रख करके वहाँ पर के बाहर से किताब ले ला के पढ़ते हैं कि जो कंपटीशन है वो कंप्लीट कर सकें। इसके लिए इन लाइब्रेरी से बच्चों को बहुत लाभ होगा और हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में हर गांव के अंदर ई लाइब्रेरी जल्दी से जल्दी हम स्थापित करें। तो फर्स्ट फेज में हमारे एसी साहब ने बहुत मजबूती से 1000 गाँव के अंदर ई लाइब्रेरी खोलने का हमारा जो लक्ष्य है हम बहुत जल्दी उसको पूरा करें। सरकार किसान आंदोलन हुआ था उसका बदला किसानों से ले रही है और एमएसपी पर धान नहीं खरीदी। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा सरकार ऐसी सरकार है जो 24 फसलों का एमएसपी खरीद कर रही है। पंजाब से हम ज़्यादा 3 गुना परचेज अब से पहले हो चुकी है और पंजाब से 3 गुना ज़्यादा हम लिफ्टिंग कर चुके हैं। आज पंजाब के किसान धरने पर बैठे हैं, हरियाणा के प्रदेश में समूथली हमारी पैडी की परचेज हो रही है। बिल्कुल निराधार उनके बयान है, मैं उनको कंडम करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।